सिटी में बढ़ते कोरोना संसर्ग को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए मनपा के हर जोन में एक संधि अधिकारी की नियुक्ति कर आदेश पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में दिए है। बैठक में विभागीय आयुक्त संजय कुमार, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त बीके उपाध्याय, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर और मेडिकल मेयो के डीन उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संधि अधिकारी के साथ ही संबंधित जोन का अधिकारी, प्रत्येक हॉस्पिटल का एक प्रतिनिधि, वन विभाग का एक अधिकारी व एनजीओ के दो सदस्य को लेकर जोन निहाय समन्वय समिति गठित कर कोविड नियंत्रण के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बैठक के बाद वेबिनार के माध्यम से ग्रामीण भागों में नगर परिषद, पंचायत समिति पदाधिकारियों और सरपंच, सभापति, जिला परिषद सदस्य से संवाद साधा। जिल्ह्यामध्ये आज वाढत चाललेला हा कोविड-19चा जो प्रादुर्भाव आहे, या प्रादुर्भावाच्या निमित्ताने या ठिकाणी बसलेलो आहोत। त्याच्यावर सुद्धा याचा परिणाम जाणवत चालला असून आता हळूहळू मृत्यूचं प्रमाण कमी व्हायला सुरुवात झाली। गंगेमध्ये ज्या पद्धतीनं पूर आलेला आहे, त्या पुरामध्ये जिल्ह्याच्या अनेक भागामध्ये प्रचंड नुकसान झालं। अनेक लोक अजूनही मास्क त्या ठिकाणी वापरत नाही, संक्रमण झालेलं आहे आणि त्यामुळं यापासून कुणी वाचू शकत नाही, वाचवू शकता फक्त तुम्ही स्वतः। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपूर।